ये वाला जो ब्लॉग है ये है YouTube से पैसों के मुतालिक। एफिलिएट मार्केटिंग एक कमीशन बेस्ड सिस्टम होता है। ये देखिए पतंगबाजी हो रही है यहाँ पे। पैर में कांटा लगा इसके। माइलो का कॉलोनी में पहला दोस्त है ये। मुझे आप लोगों ने बताना है कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग का पता लगा, कितना पता लगा। थैंक यू सो मच पिछले ब्लॉग को पसंद करने के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग वाले ब्लॉग को। उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। Yeah. Say the words you remember. Now we're here to take control. Anyways, तो मैं ये कह रहा था कि affiliate marketing वाले vlog को काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। मुझे खुशी है कि उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे लोगों को affiliate marketing का पता लगा है कि affiliate marketing होती क्या है। और मैं उस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे 10 महीने के बाद या 2 साल के बाद बताएंगे कि यार आपने एफिलिएट मार्केटिंग का बताया था अपने व्लॉग में, उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, उससे मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज करना शुरू कर दिया। तो आई कांट वेट फॉर दैट। मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब लोग मुझे उसका बताएंगे। अभी मैंने जाना है ऑफिस और DSL का बिल भी पे करना है, फिर ऑफिस जाना है। तो होपफुली आप ये व्लॉग पूरा देखेंगे। बराए मेहरबानी अपनी रसीद वसूल करें। अच्छा, ये जो उर्दू रैप सॉन्ग और इसकी जो कहानी है ये मैं आपको सुनाता हूँ आज 1-2 मिनट के अंदर। हुआ ये था कि मैं सोच रहा था कि साउंड क्लाउड और यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी का म्यूज़िक बहुत यूज़ कर लिया, अब थोड़ा सा डिफरेंट म्यूज़िक यूज़ किया जाए। मैं थोड़ा सा ना देसी और उर्दू और रैप टाइप चीज़ यूज़ करना चाह रहा था। तो मैं अभी यही चीज़ सोच ही रहा था कि मुझे फेसबुक पे 1-2 दिन के बाद मैसेज आया, उस पर एक लिंक था कि आप ये चेक करें। मैंने चेक किया तो वो उर्दू रैप सॉन्ग था। मैंने उनसे कहा कि यार आपको मैं लिरिक्स वगैरह देता हूँ, आप इस तरह जिस तरह आपने ये बनाया है आप मेरे व्लॉग के लिए स्पेसिफिक बनाएं, मैं आपको क्रेडिट दूंगा, लिंक करूंगा आपके चैनल को या आपके जो भी सोशल मीडिया को। वो जो सब्सक्राइबर थे वो भी खुश हो गए। उन्होंने कहा ठीक है यार, आप मैं आपके लिए करता हूँ, जैसा मर्ज़ी आप, मैं बना के दूंगा आप। मैंने उनको एक लिरिक्स लिख के दी थोड़ी सी रैप सॉन्ग की, हालांकि मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं था उसका बिल्कुल भी, ना नॉलेज है ना कोई उसमें कोई स्किल है। वो जस्ट मैंने अपने व्लॉग के पर्सपेक्टिव से वो लिख के उनको दे दिया था थोड़ा सा। उन्होंने फिर मुझे बना के वो फाइल भी सेंड की। अच्छा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि म्यूज़िक की लिरिक्स मैं कभी लिखूंगा। लिखने से ताल्लुक ज़रूर है मेरा, ब्लॉग लिखता हूँ, लेकिन वो मार्केटिंग वाली साइड है। कंटेंट लिखना, ब्लॉग लिखना, वो कंटेंट मार्केटिंग और मार्केटिंग वाली साइड है। तो अब मुझे तो पता भी नहीं है कि जो रैप सॉन्ग्स की लिरिक्स होती हैं या लाइंस होती हैं उनको लिरिक्स ही कहते हैं या कुछ और कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं पता। क्योंकि म्यूज़िक से जो मेरा ताल्लुक है वो सिर्फ और सिर्फ व्लॉग की अंदर है। व्लॉग के बैकग्राउंड में म्यूज़िक यूज़ करना पड़ता है, इसके अलावा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना मुझे समझ है, ना मुझे कोई उसकी अंडरस्टैंडिंग है और ना ही शौक है। मैंने उनको एक दोस्त जो थे जिनका मैंने आपको बताया है सब्सक्राइबर, उनको सेंड किया लिख के, चंद लाइनें लिख के उनको सेंड की। उन्होंने फिर वो मुझे बना के सेंड किया वापस, पूरा एक रैप सॉन्ग छोटा सा वीडियोस के लिए, मेरे व्लॉग्स के लिए। मैं आपको वो सुनवाता हूँ। आया हूँ तुमको बताने, तुम अपनी ताकत से बेगाने देखो, मैं करता हूँ रोज कोशिश, दुनिया की नहीं परवाह मुझे, I don't care। तुम भी उठो और आगे बढ़ो, बैठे रहने से मिलेगा नहीं तुम्हें। एक रास की बात मैं तुमको बताऊं, जिसने भी कुछ पाया यहाँ नाम बनाया, अपना सिक्का मनवाया, रात दिन लगाया, मिट्टी को सोना बनाया, आगे बढ़ के दिखाया, सबको सबक सिखाया है, उसी ने दिन रात की है कोशिश। तुम भी उठो और बढ़ो, करो ना ये सोजिश, बैठे रहने से मिलेगा नहीं तुम्हें कुछ भी, उसने
दिन रात की है कोशिश, तुम उठो हाँ पाओगे नहीं आसान ये रास्ता। वो पहली अटेम्प्ट है, उसको ज्यादा जज ना करें, सेकंड अटेम्प्ट उससे भी बेहतर होगी। कल रात को मैंने अपने बैठ के लिखे थे लिरिक्स इस पे, वो जब बन के आएगा तभी आप सुनेगा उसको। अभी लिरिक्स सुनाने का आपको कोई फायदा नहीं है, सारा मजा खराब हो जाएगा। लेकिन मैंने मुझे जब मैंने वो लिखा तो दूसरी लिरिक्स लिखी, पता नहीं रैप सॉन्ग के लिरिक्स लिरिक्स ही कहते हैं या कुछ और कहते हैं, पर मैंने सेकंड वो लिरिक्स लिखी थी वो मुझे उससे हज़ार गुना बेहतर लगी। उसको मैंने इंग्लिश और उर्दू का कॉम्बिनेशन बनाया था उसमें, कि अगले किसी ब्लॉग में आपको वो सुनने को मिलेगा ज़रूर। मैं ना बहुत अरसे से सोच रहा था कि म्यूज़िक में ना थोड़ा सा देसी म्यूज़िक हो, ओरिजिनल म्यूज़िक हो, कुछ इस तरह का किसी के साथ कोलैबोरेट करूं जो म्यूज़िक बना रहा हो कर रहा हो। और पता नहीं क्या ये चीज़ है कि जब आप कोई चीज़ सोचते हैं ना और आप जेन्युइनली वो चीज़ करना चाहते हैं तो रास्ते आपके लिए थोड़े से ना खुलना शुरू हो जाते हैं, आसान होना शुरू हो जाते हैं। ये जो ओरिजिनल म्यूज़िक की मैं बात कर रहा हूँ, ये ओरिजिनल कंटेंट मैं बहुत पहले से इस पे सोचता आ रहा हूँ, बल्कि आज से 2 साल पहले जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की हुई तकरीबन 2-3 महीने हुए थे तब भी मैंने ओरिजिनल कंटेंट की बात की थी। इस ब्लॉग में मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ और वो है ओरिजिनल कंटेंट। तो ये कोई चीज़ नई नहीं है कि अचानक से मेरे को चीज़ जहन में आई, मैंने उसको ओरिजिनल कंटेंट की बात की थी और अब मैं ओरिजिनल म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ओरिजिनल म्यूज़िक, क्योंकि हम म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं साउंड क्लाउड से डाउनलोड करके या किसी और पेड सर्विस से या यूट्यूब के ऑडियो लाइब्रेरी से, तो वो सबके लिए अवेलेबल है, सारे यूज़ कर सकते हैं। ओरिजिनल चीज़ वो है जो सिर्फ आप या एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हो आपके लिए। और इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, अब मैंने एक रैप आर्टिस्ट के साथ उसका म्यूज़िक यूज़ किया, उसके साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ किया। अब इसकी मैं एक एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि अब जैसे मैं एक रैप आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ, उसका म्यूज़िक अपने ब्लॉग में यूज़ कर रहा हूँ, ज़ाहिर उसको मैं क्रेडिट दे रहा हूँ ना, और इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ मैं ही उसके साथ काम करूँगा। अब जब वो प्रमोट होगा तो वो और भी ब्लॉगर्स के साथ और भी यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकता है और काम कर सकता है। इसी तरह शायद और कोई रैप आर्टिस्ट भी स्टार्ट कर दें अपने उर्दू में रैप बनाना या उर्दू में सॉन्ग्स बनाना ओरिजिनल सॉन्ग्स। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि बस समझ गए होंगे आप लोगों को। दही बड़े किस किस को पसंद है, जिसको पसंद है कमेंट में बताए। मैं ये सोच रहा था मैं कैसा लगूंगा गाता हुआ या रैप करता हुआ, मैं कभी भी ये नहीं कर सकता, मेरी स्ट्रेंथ नहीं है ना ही मेरी वो, मुझे पता है ना, मुझे अपनी चीज़ का पता है, अपनी अवेयरनेस है मुझे अपनी, मैं कह रहा था मुझे अपनी अवेयरनेस का पता है, मैं सेल्फ अवेयर हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। एक आर्टिस्ट है उनसे ये करवाऊँगा, अपने लिरिक्स को दूंगा, वो सॉन्ग बनाएंगे, मैं यूज़ कर दूंगा अपने बॉल में, कहानी खत्म, पैसा खत्म। एक और चीज़ कि अगर आप रैप करते हैं या आप सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं या करते हैं जो ये म्यूज़िक में काम, तो कांटेक्ट मुझे कीजिएगा, कोई कोलैबोरेट हम कर सकते हैं अपने मेरे ब्लॉग में आके हुए वीडियोस। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, अगर आप रैप बनाते हैं, आप म्यूज़िक वगैरह में बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, गाते हैं, तो मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिएगा, हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, आपका म्यूज़िक वगैरह मैं अपने ब्लॉग में यूज़ कर सकता हूँ। कामरान आने वाला है, कामरान हेलमेट क्यों पहन लिया, हेलमेट क्यों पहन लिया हमने, यार मुझे पता था तुम क्या कह रहे हो, क्या हाल है, ठीक हो?